नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो ये आज आई गेस हमारे फिक्स योर ओन पीसी का सीरीज़ का पार्ट है। बेसिकली इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर को कैसे फिक्स करना सिखाते हैं, मतलब कैसे आप फिक्स कर सकते हो खुद से विदाउट एन एक्सपर्ट हमारे वीडियोस देख के। और इसका एक पार्ट है, एक वीडियो है। तो अगर हमारा कंप्यूटर फ्रोजन हो जाता है, मतलब रुक जाता है, स्टक हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बस इतना ही। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके अगर सब्सक्राइब करते। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कॉज क्या है। सबसे पहले रीज़न जानना ज़रूरी है क्यों हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, मतलब स्टक हो जाता है। इसके पीछे मेन रीज़न आता है आपका हार्ड ड्राइव, आपके या तो आपका हार्ड ड्राइव पूरा फुल हो चुका है इसके वजह से, या तो सीपीयू ओवरहीट हो रहा है, मतलब आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो इसके वजह से ओवरहीटिंग ऑफ कॉज होती है अगर कूलिंग सिस्टम नहीं है तो। और अच्छी मेमोरी नहीं है, मतलब HDD है और उस पर आप हैवी वर्क कर रहे हो तो ऑफकोर्स बोलेगा, और पावर सप्लाई नहीं पहुँच पा रहा ठीक से कंप्यूटर के पास, तो इसकी वजह से मे भी ये रीज़न होता है। मदरबोर्ड का रीज़न बहुत रेयर होता है, बट मे भी हो सकता है कि आपके उसके वजह से भी सिस्टम आपका हैंग स्टक हो जाता होगा। और लास्ट नॉट बट द लिस्ट, हार्डवेयर प्रॉब्लम आपका हो सकता है, हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो धूल जम गया होगा या कुछ तो हो गया होगा, बस उसके वजह से भी होता है कभी कभी। तो ये सब रहे कुछ कॉजेज जो सिस्टम को फ्रोज कर देता है और स्टक कर देता है, स्लो कर देता है, ये सब कुछ रीजंस है। आप इसका जानेंगे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना सिस्टम को बूट करें, अगर कभी भी ऐसा होता है तो बूट करें। बूट करने के लिए F8 या तो MS कॉन्फिग की तरह सेफ मोड में जाके कर सकते हो। और अगर ये हो गया, अगर इससे हो गया नहीं हुआ तो इसके बाद अगर जो सिस्टम आप यूज़ नहीं कर रहे, मतलब प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर रहे, बैकग्राउंड में रन हो रहा है, टास्क मैनेजर के थ्रू इसको बंद कर सकते हो, क्योंकि वो बैकग्राउंड में रन ना हो, क्योंकि वो प्रोसेस ले रहा है तो ऑफकोर्स CPU को हीट करेगा। और थर्ड रीज़न होता है कि आप अपने ड्राइवर को थोड़ा खाली रखें, मतलब कि पूरा रेड लाइन आ जाता है कभी अगर ड्राइव फुल हो जाता है तो, इसके वजह से भी कोई रीज़न होता है, इस तरह के भी सॉल्व कर सकते हो। और ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो जो कि अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है, तो क्रोम पे शिफ्ट हो जाए या तो फायरफॉक्स पे हो जाए जो थोड़ा फास्ट वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। और फिफ्थ रीज़न ये हो सकता है कि आप अपना ब्राउज़र में कैच मेमोरी होता है बहुत फुल हो चुका है, इसके वजह से भी कभी कभी हैंग हो जाता है, प्रॉब्ली नहीं होता बट मे बी हो सकता है अगर आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद और भी रीजंस है, तो फिर इसके बाद आपके सिस्टम में या तो एंटीवायरस नहीं है तो मालवेयर आ चुके हो, उसको रिमूव करिए। देन इसके बाद परफॉर्मेंस होता है, मतलब परफॉर्मेंस इन द सेंस अगर आपका सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है और आप परफॉर्मेंस पूरा हाई करके रखे हो, उतना रैम नहीं है फिर भी आप इतना हाई ग्राफिक एंड काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है, सिस्टम पर लोड आता है और इसके वजह से भी हो सकता है। तो इसके बाद आता है डीफ्रैग योर ड्राइव, मतलब इसका मतलब कि अगर आप कुछ सिस्टम या एप्लीकेशन, मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर या कुछ डिलीट कर दिया बट अभी भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको डीफ्रैगमेंटेशन बोलते हो, उसको प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। जस्ट आप सर्च बार में कर सकते हो डीफ्रैगमेंटेशन, आपको ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो ड्राइवर को और उसके बाद डीफ्रैग कर सकते हो, तो सब हटा देगा जो अनवांटेड रहता है। तो ये हो गया, हो सकता है। और सेकंड लास्ट बोले तो आप अपना रैम इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप आपके पास PC में 4GB रैम है बट आपको मतलब कुछ हाई परफॉर्मेंस टास्क करना है तो उसके वजह से आप लैग हो रहे हो, मतलब स्टक हो जा रहा है, तो रैम इंक्रीज़ कर दो, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा आपका तो फिर स्मूथ काम करेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप SSD पे शिफ्ट हो सकते हो अगर आप है हार्ड, मतलब बहुत हाई वो हार्ड वर्क कर रहे हो इसके ऊपर, PC के ऊपर ज़्यादा वो लोड दे रहे हो, तो आप SSD पे शिफ्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको PC पे उतना लोड नहीं पड़ेगा, जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये सब कुछ रीज़न थे, माइट इन सब में से कुछ आपका रीज़न हो सकता है कि क्यों आपका सिस्टम फ्रोज हो जाता है। तो यही सब कुछ रीज़न था। अगर इससे भी, इसके अलावा भी अगर इससे कुछ फिक्स नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताया, तो इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ऑफकोर्स मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा एज सून एज पॉसिबल। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, यही था मेरी तरफ से। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो और मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, उसको सेव कर लेना अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। अगर अदर देन इन दिस प्रॉब्लम के अलावा कुछ और आ रहा तो आप इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो और मैं ऑफकोर्स आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।